हाय दोस्तों, आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ आपके लिए, जो बहुत ज़रूरी है और घर में बहुत कॉमनली यूज़ होता है और मॉर्निंग में स्पेशली लेडीज़ और जेंट्स के लिए, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होता है। अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी, मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और अनबॉक्सिंग के साथ मैं आपको इसका फर्स्ट रिव्यू बताऊँगा और उसके बाद मैं इसका 3 महीने बाद दोबारा रिव्यू करूँगा कि प्रोडक्ट कैसा है। यह है आयरन बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं। यह है एक आयरन बोर्ड जिसका जो अमेज़न पर रिव्यू था काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों को लिए प्रोडक्ट रिव्यू करना चाहिए। इसमें साइजेस दिए हुए हैं, वैसे तो साइजेस दिए हुए हैं बट इसमें है 43 to 13। ये है इसका प्रोडक्ट, मेटल का है, बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं है। इसको मैं खोल देता हूँ। देखेंगे तो इसमें एक लीवर है पीछे, ये जो एक लीवर है, लीवर मैं देखना चाह रहा हूँ। इसका लीवर जो है यहाँ पर है, जिससे किसको और ऊंचा किया जा सकता है या नीचा किया जा सकता है। ये इसकी मिनिमम हाइट है। थोड़ा सा प्रेस ले रहा है, थोड़ा सा ग्रिप में, मुझे से थोड़ा ग्रिप में इशू लग रहा है जो कि मूव कर रहा है। ये यूज़ करने पर चलेगा कि कितना ही फ्लेक्सिबल है और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो ये है। इसमें थोड़ा सा कम दब रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो दिखाऊँ कुछ ऐसा दिख रहा है। पॉलिश ठीक है, तो यदि मैं इसकी पॉलिश की बात करूं तो पॉलिश काफ़ी सही है, कहीं कोई एजेस नहीं दिख रहे हैं, कहीं कोई एजेस नहीं है। शेप एक पूरे उसके लिए पूरी है और इसमें जो नेट है इसकी बात करूं तो एक जाली है, ये जाली है, काफ़ी सॉलिड है। और नीचे भी यदि नीचे ऊपर बात करूं कहीं कोई शार्प एजेस नहीं है। यदि मैं इसकी बात करूं तो कोई शार्प एजेस नहीं है। इसकी एक छोटी सी फॉर्म है, ये मतलब कितने दिन चल पाएगी पता नहीं, बट यू कैन ऐड सम अदर फैब्रिक आल्सो सेम साइज और सब टाइप। मुझे एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही है, बट अभी मैं इसको फुल नंबर नहीं दूंगा क्योंकि इसमें प्रेशर थोड़ा सा है कि कितना प्रेशर पड़ रहा है और कैसे ये रिएक्ट करेगा, तो उसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी रिव्यू है मैं वो 3 महीने बाद करूँगा इसका, और सजेस्ट कर पाऊँगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उससे कंपेरेटिव मैं अदर प्रोडक्ट भी आपको कंपेरिजन करके दिखाऊँगा। थैंक यू।